छोड़ दिया है, अब तुम मुझसे शादी करोगे ना? अरे भाई बच्चा किसका है ये? किसका है बच्चा? ए, नाम क्या है तेरा? किधर रहता है ये जादव? हाँ साहब। ये सिर्फ रो रहा है, कुछ बोलता ही नहीं, किधर मिला ये? वो मुहर्रम के जुलूस में मिला साहब। तो लिख दे करीम सैयद, कौन पूछने आ रहा है तेरे को? हाँ साहब। तिरुपति। बाप को काय को मारा? भूख लगी थी। नाम क्या तेरा? शंकर। बाबा कहाँ है? इसके बाबा की बम ब्लास्ट में मौत हो गई। ओ नंदू के मामा, पहले माँ चली गई, अभी बाप चला गया। देखो मैं किसी को संभालने वाली हूँ नहीं, यहाँ पर अनाथ आश्रम बहुत होंगे, वहीं पे भेज दो। ए, क्या नाम है तेरा? नंदू। चल जल्दी चल। अबे वो मादर चोद, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप खाना खा ले। आ,
माने किधर? अब इधर तो मेरा कमरा है। अबे साले, जब संभाल नहीं सकता तो इतनी पीता काय को है? आया था, फोन आया था, और नए 4 बच्चे आ रहे। 4 और नए? आने दो। चल चल अंदर चल। मुझे नहीं जाना अंकल, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। चल अंदर चल। ये लो फाइल। सारे पेपर्स क्लियर हैं? हाँ। तिरुपति, शंकर, करीम, नंदू। चलो अंदर। आदमी देख के डालो ना। अरे अरे क्या कर लिया? ये क्या? तू बीच में घुस गया। एल्म खड़े लोग बीच में घुस गए। तू चीटिंग है। और दो ना, बहुत भूख लगी है। ए भूखे, चल खिसक। नहीं तो वो भी खींच लूंगा, समझा ना? देख रहा क्या है? साला भूख लगी है।
ओए चिल्लर, क्या बे नए हो ना? हाँ भाई को हाजिरी दी क्या? नहीं दी ना। अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाने का और भाई को हाजिरी देने के लिए आने का, समझा क्या? तो फिर देख रहा क्या है? चल थैली में? कुछ नहीं। क्या है थैली में? क्यों पकड़ा मेरा हाथ? क्यों बे आंखें क्यों दिखा रहा है? क्यों आंखें दिखा रहा है? रणछोड़ सिंह कहते हैं मन्ने, और यहाँ के लड़के भाई बोलते हैं मुझे भाई, समझा के? भाई ये पागल है, अपने बाप का मर्डर करके अंदर आया है, संभाल के। बाप का खून करे अपनी माँ का, लेकिन मुझे यहाँ कोई नाटक ना चाहिए, यहाँ का भाई मैं हूँ, मैं, समझा के? रन छोड़। चोरी के लिए मना किया तो नहीं करने का, चोरी नहीं करने का तो नहीं करने का। हट। मेरे को चोर और चोरी से सख्त नफरत है, मगर ये हरामी चोरी करता ही है। नाम क्या है तेरा कालिया? शंकर। शंकर कालिया। अबे ओ कालिया, इधर आ, इधर आके खड़ा हो। ए चल। अब इस रंडी की औलाद के गाल पर खींच के मार। ए बड़ुए, सुना नहीं क्या? या मैं आऊं? साले भैंचोद, अपने बाप को चाकू इतनी धीरे से मारा था क्या? लगा। इसे कहते हैं झापड़, समझा? या एक और लगाऊं? तेरी गांड में बहुत दम है साला, उंगली नीचे कर, चूती है, नीचे कर, हट। तुम लोग चारों को इसलिए बुलाया है कि मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए इधर, इधर का भाई सिर्फ मैं हूँ, और ये पहली और आखिरी बात तुम लोगों को बता रहा हूँ। चल, 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 साला। ये लाइट क्यों चालू है? चलो ए लाइट बंद करो।
अच्छा है, ये थैला मेरे घर पर पहुंचा। जी साहब। चल खा चल, इसमें तो कीड़े हैं। तो तेरे को इधर श्रीखंडपुरी मिलेगा क्या? खाने में वो देख जो तुझे खाना है, और जो नहीं खाना है वो बाहर निकल के रखने का, समझा? चल खा। लेकिन ये गंदा है, मैं नहीं खा सकता, मुझे भूख लगी है। भूख तो सबको लगती है, पर इधर कभी पेट भर खाना तक नहीं मिलता। ये रिमांडो में तेरा घर नहीं, समझा? चल खा अभी चुपचाप से। चल दे। सब जानवर है साले भूखे हैं। मैं जानता हूं पेट पर खाना ना मिले, पेट पर खाना चाहिए। हाँ, कबड्डी खेलता है तू? इनके साथ खेलेगा? देख भाई, अगर तू जीता तो आज की शाम की रोटियां सब तेरी, और अगर हम जीते तो तेरी शाम की सारी रोटियां अपनी। बोल के बोलता है। ए कालिया, अपन को जितना पड़ेगा, नहीं तो रात को खाली पेट ही सोना पड़ेगा। भूख तो सबको लगता है, पर खाना हर किसी को नहीं मिलता। जब से हम पैदा हुए तब से आज तक हमने जो भी किया पेट भर के खाना खाने के लिए किया। और बचेगा तभी खाना मिलेगा। कितनी बड़ी दिखती होगी। चींटी को चीजें छोटी, चींटी को
को चीजें छोटी, चींटी को चीजें छोटी, चींटी को चीजें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, सागर सा प्याला भर जल, सागर सा प्याला भर जल। भाई नाराज हो गया के, चल गन्ना खा के गुस्सा थूक दे। अब फिटनेस हो गया ना, अब तू मारे छोरों को मारेगा तो मैं तने छोड़ दूंगा के। भूख लगी है भाई, देख मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन पेट भर खाना मिलेगा। जो मैं बोलूं वो करना पड़ेगा। बोल के बोलता है। चल नंदू। ए रोटी देना, मुझे भूख लगी है। ए चुप रहो भूखे, जब देखो भूख 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 करता रहता है। हमसे तो ये मुर्दे अच्छे हैं, इनको तो भूख नहीं लगती। खाना खाओगे? हाँ खाऊंगा, तो चलो फिर रात को। किधर? हाँ आजा 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 आजा, चलो ये फिर या आराम से चढ़ना। करीम आराम से। आराम से यहाँ तो बहुत पत्थर है, आराम से उतरना। गाइडी हाँ चलो जल्दी जल्दी जाओ, आराम से ये आराम से। हाँ आजा करीम, बहुत भूख लगी कालिया। आजा नंदू बैठ। अच्छा अच्छा चल खाते। कालिया डर लग रहा है, चल यहाँ से चलते। डरने का नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो चला गया, इसने ही तो अपन को खाना दिया है। आज के बाद एक बात याद रख, तू दुनिया की नहीं मारेगा ना तो दुनिया तेरी मारेगी, समझा? कलिया यहाँ से भाग जाते, बाहर खाना मिलेगा। अरे कालिया, वो रणछोड़ सिंह ने नंदू को पकड़ा हुआ है। Thank you.
झगड़ा चल रहा है साहब। वो रण छोड़ दीजिएगा। 216 रण छोड़ पे 400 जो दिया मेरे घोड़े पर लगा रहे गए। इसकी वजह से मैं हारा। डाल इसके सर में पत्थर, डाल इसके सर में पत्थर। काले नहीं, डाल इसके सर में पत्थर। नहीं कालिया, खुन्ना सेना तेरी। काले नहीं, खुन्ना सेना तेरी। कालिया, तो उठा पत्थर, डाल इसके सर में। काले नहीं, मार इसको। काले नहीं, पत्थर उठा, मार इसको। काले नहीं, डाल इसके सर में पत्थर। क्या हुआ, फट गई? हाँ फट गई ना मानसर। छोड़ा 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 ना, ताकत लगा, ताकत लगा, छोड़ा। बोला था ना यहाँ का भाई सिर्फ मैं हूँ, मैं बोला था ना। याद रखना, भाई बनने के लिए सिर्फ गांड में दम नहीं, ताकत भी चाहिए। क्या चाहिए? ये कितने का है? 5 रुपए। और वो ए चोर 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 पकड़ो। Yeah.
गया, सो जा। क्या हुआ, क्या हुआ यार, चलो देखते हैं। चल, जल्दी चल। इसको नीचे उतार के नदी में फेंक दो और दो दिन पहले का मिसिंग का रिपोर्ट बना दो। साहब कुछ लोचा हो गया तो मेरी लग जाएगी। नहीं, केस बन गया तो हम सबकी लग जाएगी। मुझसे पूछ के सुसाइड किया उसने। कुछ नहीं होता रे, इन कीड़े मकोड़ों के मरने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, न पुलिस को, न गवर्नमेंट को और न पब्लिक को। जा। पता नहीं और कितने लोगों की जान जाएगी इस पागल के अत्याचार की वजह से। साहब वो कल को आपने वो रुक धार मार के आता हूँ। कल रात को मजा आया होगा ना, वो लड़का अच्छा था ना? हाँ रे, बहुत मजा आया, मगर साले ने जान दे दी। अगर ऊपर नहीं जाता ना, तो मैं अब भी ऐश कर रहा होता उसके साथ। तो आप भी जाइए ना। मत बल। लाइन में, लाइन में, ये तरफ खड़े रहो।
चल। तुम चारों को अलग हॉस्टल में जाना पड़ेगा। तिरया, करीम, शंकर, तुम तीनों को अलग हॉस्टल और नंदू, तुझे अलग हॉस्टल में जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर आया है। जाओ। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। भगवान की तो सेवा हो गई, अब एक शब्द बिना कहे इस पवित्र भावनाओं को अपने साथ लेकर यहां से जाओ, जाओ। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद। ए सुनो, तुम लोग शाहपुर से आए हो ना? हाँ। तुम में से काला कौन है? मैं हूँ। अरे काला भाई, देखो वो देखो जो लड़का दिख रहा है ना उधर, गफूर मस्का, 16 साल का है लेकिन 40 केसेस है उस पर। सारा गांजा भाई के लिए काम करता है, मस्के के डब्बे में ड्रग सप्लाई करता था। अरे ये गांजा भाई, सुल्तान भाई, टाइगर भाई जैसे लोग हैं ना, इनका इस्तेमाल माल सप्लाई करने के लिए, रॉबरी के लिए या फिर कोई बड़ा गेम बजाने के लिए भी करते हैं। हाँ, अरे पकड़े गए तो भी क्या, इधर ही छोटी जेल में आना पड़ता है ना। अरे एक दो महीने में फिर ये भाई लोग इनकी बेल भी करवा देते हैं, और ये साले बदमाश बाहर जाने के बाद उसी धंधे पे लग जाते हैं। अरे इतना ही नहीं काला भाई, अंदर इनके लिए भाई लोग जो है ना, चिकन, दारू, सिगरेट, गांजा, जो चाहे वो उसका सब इंतजाम करवा देते हैं। सालों के अंदर ऐश रहती है। हाँ, खाली आइटम नहीं मिलता है। अरे आइटम आइटम बोले तो लड़की लड़की नहीं जानते क्या? वैसे क्या है ना काले भाई, वो लड़की का भी इंतजाम हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के 100 रास्ते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सब तो हम लोग को क्यों बता रहे हैं? अरे अरे नए थोबड़े दिख रहे यार, इस रिमांड होम के दुनिया की खबर तो होनी चाहिए। ये असलम, चल ए तुम लोग इधर आओ, तुम लोग यहाँ पे खड़े रहो, मैं तुम लोग के लिए कमरे का इंतजाम करके आता हूँ। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद। क्यों मर्डर किया तुमने? वो भूख लगा था और बाप दारू पी के माँ को मार रहा था, इसलिए मैंने वो। मैं गंगा यादव की बात कर रहा हूँ। वो तो दारू पी के नशे में टेरेस से गिर के मर गया। वो टेरेस से गिरकर मर गया, मैं जानता हूँ ना उस टेरेस से कैसे गिरा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। देखो मेरे पास आए हो, कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे, इसके बाद बाहर के दुनिया में फेंक दिए जाओगे और बाहर जाकर तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कितना पढ़ोगे? और सारी जिंदगी की पढ़ाई तो एक साल में तो पूरी नहीं होगी। देखो मैं यहाँ के बच्चों को बुरा काम करने से नहीं रोकता, क्योंकि शराफत के साथ बाहर की दुनिया में तो भूखे मरेंगे। दम है तुझमें, हिम्मत है, तुमने यादव को मारा। अपनी हिम्मत की अगर कीमत चाहते हो तो जो मैं कहता हूं वो तुम करो। ए, ए सुनना, ये कौन है? वो टाइगर भाई। पर इधर का कौन है? अपने गैंग के लिए लड़के ढूंढने।
टाइगर भाई को मिल लो, गोविंद गोपाल। दम है छोकरे में, दम है। अच्छा लगा, कल से काम पे आ जा, टेंशन मत ले, खर्चा पानी खाना पीना सब मिलेगा, लेकिन सही तरीके से काम करना, समझा? नहीं भाई, अब तक जिंदगी में सब कुछ गलत हुआ है, बस अब नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं करेगा। गोविंद गोपाल, अच्छा लगा, और भी अच्छा लगा। दम है छोकरे तेरे में, दम है। ठीक है, जो भी है मुंह पे बोल दिया तूने, अपनी मर्जी से जिंदगी बिता। अच्छा है गोविंद गोपाल। अठारह साल पूरे होते ही ये बच्चे रिमांड होम से एक सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए। इस सर्टिफिकेट का उपयोग इस दुनिया में क्या है ये तो उन्हें भी नहीं पता, पर इन्होंने ये तय किया जितना उनसे हो सके दूसरे बच्चों के लिए कुछ तो करेंगे। जो जिंदगी इनके नसीब आई वो उन बच्चों को ना मिले, क्या ये कर पाएंगे? साला बहुत भूख लग रहा है, जेब में पैसा भी नहीं है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे साले जब तक शराफत की पकड़ के रखेगा ना तब तक भूखा ही रहना पड़ेगा। अबे साले मजाक मत कर। अबे मैं मजाक नहीं भी करेगा ना तब भी भूखा ही रहना पड़ेगा। शराफत गई भाड़ में, मैं जा रहा हूँ, मुझे भूख लगा है। कहाँ जा रहा है? तेरे को क्या करना है, तू शराफत की चाट, मैं जा रहा हूँ खाने का बंदोबस्त करने, मुझे भूख लगा है। अबे ओए इधर आ। अबे आना। क्या है? मतलब तू शराफत छोड़ेगा? अबे भेंचोद मेरा दिमाग आउट है, शराफत गया गधे की, मैं जा रहा हूँ मुझे भूख लगा है। बिरयानी खाएगा? कालिया देख बिरयानी। अबे उसको छोड़ना, तू बोलना खाएगा क्या। हाँ दे भूख लगा है, ले खा। हाँ, खा 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 खा। अबे ओए ओए शराफत छोड़ो और आओ बिरयानी खाओ इसकी माँ का। साला सुबह से ईमानदारी से काम मांग रहे थे तब दुनिया गांड पे लात मार रही थी, और आज देख बिरयानी खा रहे बिरयानी। कहाँ से लाया? अबे कुछ नहीं रे, एक को लिया कोपचे में, रामपुरी चिपकाया, पर्स ले लिया और क्या। बिरयानी रेडी। अबे देखो स्पेशल दावत दूं क्या? आना। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो साले भूखा मरेगा। हाँ। वो चलेगा, पर अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना ही कोई गलत काम मैं तुम लोगों का साथ दूंगा। ए सुन, तो मरेगा समझा ना, और शराफत की माँ को ना बिना कॉन्डम का घोड़ा लगाता है, समझा क्या? ये गलत है। अबे सही गलत क्या, फाड़ में तुझे खाना है कि नहीं? नहीं मैं जा रहा हूं, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। खाना तो खा कर जा। नहीं मैं तुम लोगों की तरह नहीं बन सकता और तुम लोग मेरी तरह। मैं जानता हूं मैं जो करने जा रहा हूं वो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, पर मैं अपना रास्ता जरूर बनाऊंगा।
नंदू 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 मत जा नंदू 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 मत जा अरे सुन ना अरे खाना मत खा लेकिन रुक रुकना यार नंदू वापस आ नंदू ए नंदू अबे रुक यार गया कौन सा 7 रुपया? वो उस दिन पता है आपने नींबू मिर्च खरीदा था मेरे से, मेरे को 10 का नोट दिया था, ये उसका बचा हुआ 7 रुपया। रख ले तू इनाम में। नहीं मेरे को नहीं मांगता आपका पैसा, मैं क्या भिखारी है? ओए 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 रुक, मेरी एक प्रिंटिंग प्रेस है, मेरी प्रेस में काम करोगे? बोल करीम खबरी, बता। कुरैशी माल ला रहा है, इंस्पेक्टर शिंदे है ना, एंटी नार्कोटिक सेल वाला, उसका भी हाथ है। गांजा। हाँ भाई। अभी तो सिर्फ पैर पे मारा है, अगली बार भेजे में डालूंगा। इधर समझा? त्रिया, इसको बोला था मैं, इसमें दम है। क्यों रे गांडू, याद है ना तुझे? साले बचपन में ही बोला था तुझे, तेरे में दम है। What nonsense? I'm fed up with these street kids, you know.
भिखारी बच्चे, अभी ऑटो से आ रही थी तो अंदर घुस कर भीख मांग रहे थे। अगर कार लेकर आऊं तो कांच पर मारकर भीख मांगते हैं, और अगर ना दूं तो गाली गलौज करते हैं। ये बच्चे ना सोसाइटी के कीड़े हैं, कीड़े, यू नो। इन सबको उठाकर शहर के बाहर फेंकना चाहिए। निकी, मैं हैरान हूं तुम एक जर्नलिस्ट होकर ऐसा सोचती हो। निकी, ये बच्चे आए कहां से? इसी समाज से ना। इन बेचारे बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता, सर पर छत नहीं होती, ना ही इनके पास एसी कमरे जिनमें इनकी माँ इन्हें कार्टून नेटवर्क दिखाकर खाना खिलाती हो या लोरी सुनाती हो। देखिए, अगर ये बच्चे भीख ना मांगे ना तो इन्हें रात का खाना भी नसीब नहीं। हमारी तकदीर अच्छी है निकी, कि हमें एक सिक्योर जिंदगी मिली है, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी स्कूलिंग हुई, अच्छी एजुकेशन मिली है। हम लोग एक सिक्योर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन फर्ज करो अगर ये सब नहीं होता तो शायद तुम और मैं भी किसी कोठे पर बैठे होते, और उसके बाद ऐसे ही बच्चे पैदा होते नहीं की, और तब पेट की भूख इज्जत और जिंदगी से बढ़कर होती है। माइंड योर लैंग्वेज विजेता। देखा, मेरे सिर्फ कहने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही। वो बेचारे बच्चे तो ऐसी जिंदगी जीते, उसका क्या? नो ज्ञान विजेता, प्लीज। नहीं निकी, निकी ये बच्चे भी तुम्हारे और मेरे तरह अच्छे इंसान बन सकते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन चाहिए, बस। ये क्या, तालियां क्यों बजा रहे हो? मैं यहाँ कोई भाषण दे रही हूँ? अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगी है तो इसके बारे में कुछ सोचो, कुछ करो। चलो जाओ। सॉरी अर्निकी, जब भी ऐसा कोई टॉपिक निकलता है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता। आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। नाउ व्हाट यू वांट मिस्टर? अब आप मुझे लेक्चर देंगे? जी नहीं, मैं आपको क्या समझाऊंगा। लेकिन मैं भी उसी सड़क पे पला बड़ा हूँ जहाँ से आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तेजी से निकल जाती हैं और बस धुआं पीछे छोड़ जाती हैं। मैं अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार कोई नहीं। लेकिन बचपन में जिसका अपना कोई ना हो, जिसे प्यार ना मिले, उस पर क्या गुजरती है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। It's very easy to talk about street children, but reality is something different. माफ कीजिए, मेरा नाम नंदू है और मैं यहाँ पे ये प्रिंटिंग डिलीवरी देने आया था। Excuse me. Yes, sir. मगर मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। Sir, your receipt. Yep. Thank you. You're welcome. हेलो नंदू, मुझसे दोस्ती करोगे? तुमने ही कहा था ना तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तो मुझसे दोस्ती करो। अब मैं चाय या कॉफी पीने तुम्हारे पास कभी भी आ सकती हूँ। जरूर। ये मेरा कार्ड है। ओके। आप जब चाहे आ सकती हैं। ओके। शुक्रिया। तू पागल है? तू किसे दोस्ती कर रही है? तू उसे जानती भी है? अरे हर इंसान के बारे में ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं। कम ऑन विजेता। देखो, अगर वो एक अच्छा इंसान निकला तो मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, और अगर नहीं तो एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे उसमें एक अच्छी स्टोरी नजर आती है। तू पागल है। थैंक यू। ये सब कटिंग करना बाकी है। अच्छा, इसके सब कटिंग बना लो और सब यहीं पे रख दो, और बाकी सब मैं खुद देख लूंगी। ओके। एक्सक्यूज मी। यस। मिस्टर नंदू कहाँ है? हाय नंदू। हाय। कैसे हो? फाइन। तुमसे मैंने कहा ना कि मैं चाय पीने आऊंगी, लो मैं आ गई। सोचा तुमसे ढेर सारी बातें भी होंगी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अरे हाँ, आशा विजेता है ये। विजेता शिज आशा। हाय। हाय। नाइस नेम। या। मैं चाय का इंतजाम करती हूँ।
थैंक यू। अब यू नो मेरे पापा मिलिट्री में थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, अब वो एक प्रोफेसर है। मामा नहीं है। आप भैया भी मिलिट्री में थे, डेयरडेविल। आप मेरे पापा हमेशा यही कहते थे कि सच कहो, नीडर बनो, अन्याय का सामना करो। मैं कभी नहीं डरती, हमेशा सच बोलती हूँ। शायद इसीलिए एक क्राइम रिपोर्टर बन गई। अब इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी के बारे में, प्लीज। हेलो पापा, जल्दी आइए। मैं किसी को संभालने वाली हूँ नहीं। इसमें तो कीड़े हैं, मैं नहीं खा सकता। अगर राजा भाई नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और तुम्हारे दोस्त? हाँ। उनका क्या हुआ? पता नहीं। आठ साल हो गए उनसे मिला नहीं, और ना ही कभी मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। भाई इतने साल हो गए, आपने मेरे को कभी गेम बजाने नहीं दिया। अगर आज का गेम मैं बजाऊं तो प्लीज। ये देख। हाँ भाई। इंग्लिश घोड़ा है, मैगजीन जी। देखिए लॉर्ड। हाँ ये खोला, चले। हाँ हाथ दीजिए भाई। और सुन। हाँ भाई। उसे ढपकाना नहीं है, पैर पे गोली मारनी है। जी भाई। हाँ डर गए ना, दोनों को मैं ठोक दूंगा। जी भाई। तेरे सिर में और उसके पैर में। जी भाई। और एक आगे। हाँ? चल ठीक है ना भाई। कालिया का फोन है, लेना पड़ेगा। ए करीम। ए भाई कैसा है रे भाई? ए टल्ली है क्या तू? अपन टल्ली है भाई, सोनिया के साथ पार्टी चल रही है भाई। चले जान दे जान दे, कल मिलके बात करते हैं। क्या? कल तो तीरिया भी मिलेगा, कल छूट रहा है भाई, कल छूट रहा है। हाँ पक्का मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं। कितने चाहिए? इसके लिए दो की जरूरत है, समझा? काम हो जाना चाहिए। नायक साहब सलाम। गोपाल गांजा भाई कैसा है? लगता है मीटिंग चल रहा है। बाहर चक्कर मार के आता है। मेरे उधर तो अच्छा है ना। अरे भाई कैसा है बाबलिया? मजे में भाई। ले तेरा सफेद माथा। अरे हाँ शुक्रिया भाई। बाहर कब निकल रहा है? दो चार दिन लगेंगे भाई। हाँ भाई इधर क्या कर रहा है? हाँ वैसे तो कुछ पता नहीं, जैसे ही पता चलेगा आपको फोन करूंगा ना मैं भाई। ठीक है। हाँ बाहर निकल के मिलना, ठीक है? हाँ बहुत काम है तेरे लिए। शुक्रिया भाई। ये बाबले अपने को माल आ गया भाई। क्या कालिया भाई फोन पे बुलाया तुमको यार, कुछ तो बोलो। दारू पियो, मजे मारो, मुन्नी बदनाम हुई यार। करीम तेरे
कल रात चैंबर में आके मैंने नंदू को देखा। क्या बात कर रहा है? कैसा है वो? बिरयानी खाई कि नहीं उसने? मालूम नहीं, मैं तो गेम बजाने गया था, रुका नहीं इसलिए। नंदू ही था, हाथ में फाइल था राजा प्रिंटर करके कुछ, नंदू ही था। काले भाई कल का बखत दो, ढूंढ के निकालता हूँ मैं, देखना। अरे दीरिया चल चल यार। हेलो, किधर है रे तू? हेलो, कौन बात कर रहा है? करे नंदू, दुनिया की मारी की नहीं अभी तक? शंकर। किधर रह रहे तू? अरे अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ हूँ। मेरे साथ ये करीम और तेरिया भी है। तेरे को मिलने का दिल कर रहा है सबका। मिलेगा। जब मुझे पता चला कि तुम सब मिलने वाले हो तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुमसे मिलने चली आई। नंदू, तुमने सच कहा था, तुम्हारे दोस्त एकदम वैसे ही है, एकदम फरिश्तों जैसे। इसने मुझे कितना कुछ बताया तुम सब के बारे में। वो रणछोड़ सिंह वाली बात, बाप रे, कैसे तुम सब ने इसे बचाया था। अरे शंकर तो उसी दिन उसका सर फोड़ कर खलास कर देता उसको। मैडम, ये नंदू बोला कि मत मार, यूरे बोला ना, इसलिए छोड़ दिया उसे। तो फिर नंदू की अच्छाई और सच्चाई की राह पर तुम लोग क्यों नहीं चले? तुम अगर इतने अच्छे हो तो बुरा काम क्यों करते हो? कौन बोलता है अपुन गलत काम करता है? मैडम, अपुन के लिए तो ये काम सही है। जो काम करता है अपुन अपनी रोजी रोटी के लिए करता है। आज अपुन है कल नहीं, लेकिन जब तक जिएगा ऐश करके जिएगा मैडम। अरे हम लोग नौकरी मांगने गए भी थे, क्या हुआ, भूखा रहना पड़ा, और हाथ उठाया तो बिरयानी मिली। वहां नौकरी मांगने जाते थे तो क्या क्या मांगते थे, मगजमारी साला। इतनी जल्दी हार मान गए, डर कर गलत काम कर दिया। बस है बस, लेक्चर वन, क्या जानती है तू हमारे बारे में, जानती है कुछ? बाहर निकलते ही हाथ में लेटर होता है लेटर, रिमांड होम में थे, उससे मिलती नौकरी। पब्लिक तो पहले से ही सोचती है रिमांड होम में था मतलब चोरी होगा। क्या क्या मांगते हैं साले, रेशन कार्ड दो, पैन कार्ड दो, फोटो आईडी चाहिए, क्या चाहिए, कहां से लाए? ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई पहचानता है। ओ मैडम, जाके पहले अंदर के हालात देख के आओ। साला जिंदा रहने के लिए इतनी बार मरना पड़ता है, घंटा पढ़ाई करेंगे, 18 साल का होते ही फेंक देते हैं बाहर बिना किसी हथियार के, बोलते हैं लड़ो। बिना कनेक्शन के बाहर वालों को काम नहीं मिलता यहाँ, हमें क्या मिलता? फिर ये काम नहीं करते तो क्या करते हम? शंकर, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहता था, मैंने कोई गलत काम क्यों नहीं किया? ए, तू बात मत कर, तेरे को राजा भाई मिले ना इसलिए तू जिंदा है। हाँ हाँ सही बात है, लेकिन मैंने तुम्हारा रास्ता नहीं अपनाया इसीलिए मुझे राजा भाई मिले। मैंने सही रास्ता नहीं छोड़ा इसीलिए राजा भाई ने मेरी मदद की।
मुझे आज भी याद है जब हम लोग रिमांड होम से निकले थे, इसी जगह पे तो हमने तय किया था कि जिससे जितना बन पड़ेगा उतनी मदद करेंगे हम जैसे बच्चों की। शंकर, मैं वो आज भी कर रहा हूं और सारी उम्र करता रहूंगा। गरीब हूं पर खुश हूं। रात को सोता हूं तो चैन की नींद आती है और मैं तुम तीनों से गुस्सा नहीं हूं। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम तीनों में से मेरे दोस्त खो गए। ए नंदू, जिंदगी से अपुन ने इतना ही सीखा है, तुम दुनिया की नहीं मारोगे तो दुनिया तुम्हारी मारेगी। ये दुनिया ने अपुन को जो कुछ दिया है ना, वही उसे वापस दे दे, रिटर्न, थैंक यू। ये अपुन को अच्छा बनने का मौका नहीं देगी। अगर ऐसी बात है तो मैं देता हूं तुम्हें मौका। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाओ सच्चाई के रास्ते पर। मेरे साथ मेरे प्रेस में काम करो। मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे? बोलो शंकर, करोगे? बोलो तीरिया, तुम करोगे? मैं? और करीम तुम? पैसा कितना मिलेगा मैडम? आजकल अपन बहुत महंगा आदमी है। वाह करीम, डरपोक। मेहनत से डरते हो? शॉर्टकट चाहिए तुम्हें? आज भी कमजोर हो तुम, झूठ को सच समझकर चलते हो, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है तुम में। लेकिन एक बात याद रखना, झूठ हमेशा सच के सामने छोटा ही होता है। ओ मैडम, किस सच की बात करती हो तुम? हा? जिसे तुम खबर मानती हो ना, न्यूज, वो हम बनाते हैं। पब्लिक को जो दिखता है ना वही सच मानती है। बात करती है, है? वो तू काम करती है ना उधर, क्या वो न्यूज चैनल उधर क्या होता है? सच्चाई का इस्तेमाल सिर्फ वसूले के लिए होता है। मेरे को मालूम ना, मेरे को सब मालूम है। एक फोन आता है और सच्चाई दफन। शंकर, अगर ऐसी बात है ना तो आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन सच मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। इसी कमरों में बैठकर लिखना और बोलना आसान होता है मैडम, तेरे को मालूम भी है मुंबई में क्या होता है? तुम्हें पता है ना, तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे, बोलो। इसके लिए गटर में कूदना पड़ेगा। ठीक है करीम, मैं भी देखना चाहूंगी कि मुंबई की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मुझे नहीं पता, और फिर वो सच्चाई को मैं दुनिया के सामने रखूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। पागल है, समझो उसको। सोनिया, सोनिया कहाँ है? साली सोनिया, साले कहाँ मर गया था? अरे सोनिया, पता है क्या कर रही है तू? अरे साले कुत्ते, क्या कर रही है? पुलिस वाले बोटी बोटी नोश डाली मेरी, दिन रात चढ़ रहे थे मेरे ऊपर, मैं बेहोश हो गई फिर भी चढ़ रहे थे। किधर था तू, किधर था? साला मोहिते, एक बार उसकी खबर मिल जाए ना, ऐसी मारूंगा जिंदगी भर मलम ढूंढता फिरेगा साला। क्या क्या करेगा तू साला? चिंदी खबरी, ठोक डालेगा उसको। ठीक है, तेरे को खबर चाहिए ना, उस मोहिते और उसके फड़वे पुलिस वालों की, मैं देती है तेरे को खबर। सुन, क्या बात कर रहे हो करीम? रिमांड होम से लड़कियां पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को पहुंचाई जाती है? मैडम, अपुन का खबर कभी कच्चा नहीं होता। सोनिया एक रिमांड होम की ही लड़की है, आज एक वैश्या, उसे भी भेजा गया था और उसे मालूम है आज भी यह होता है।
करीम, मुझे सबूत चाहिए और वो भी कैमरा में। मैडम, अपुन ने जो बोला था वो याद है ना? गटर में कूदना पड़ेगा। ठीक है, फील्डिंग लगाता है, तैयार रहना। बाकी माल तुम छांट लो, तब तक मैं आती हूँ। आजा रानी, आजा मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, आजा आजा री मेरी प्यारी बच्ची। क्यों जगताप साहब, तो खेलने जा। हाँ इसका रेट सोच समझ कर लगाना। और कौन कौन सी लड़की पसंद आई? अरे मैसेज मिला था ना सर, फिर आए क्यों नहीं तुम लोग? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए बस। हाँ सर। कह रहे हो गया काम? यस सर। मस्त माल चुना है ना? यस सर। सब लोगों की कंप्लेंट आ गई तो बम्बू कर दूंगा। सर रात को बुलाया इधर ही, आप खुद ही देख लो। सर साहब, हाँ आज रात को यहाँ बिजली चमकने वाली है, बड़ा मजा आएगा। काहे का मजा? हाँ साले सब भड़वे भरे इधर, भड़वे। सर ये सारी की सारी ऐसी लग रही है कि मंदिर जा रही है। सुनंदा को कह के इनको ठीक कपड़े पहना कर कल फार्म हाउस पर भेज दो। यस सर। चलो चल। ए रुक, सावन को बोला। यस सर। दोपहर क्या कह रहा था? यहां सब भड़वे भरे हुए हैं। हाँ है, यहाँ भड़वे ही भरे हुए और तू एक नया भड़वा है ना? बोल बोल, मैं भी एक भड़वा हूँ। बोल बोल, मैं भी एक भड़वा हूँ। बोल ये ले पे। सर मैं नहीं पीता। तेरा बाप पिएगा। पकड़। सुन, यहां काम करने वाला हर छोटा आदमी अपने से बड़ा और ताकतवर आदमी का भड़वा ही है। एक तू, जगताप, मैं और वो साला मिनिस्टर। तो पहली बार कल रात इन लड़कियों को लेके तू फार्म हाउस पर जाएगा।
और हमारी तरह बन जाएगा, समझे भड़वे सावंत। अरे भाई क्या हुआ, तुम तो मुझसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। हाँ। सर डिपार्टमेंट में काम करना बहुत मुश्किल है सर, बड़ा गंदा माहौल है। मेरा सीनियर चाहता है कि मैं रिमांड होम की कुछ लड़कियों को लेकर रात को फार्म हाउस पर जाऊं, जहां पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस अय्याशी करने आ रहे हैं। सर ये मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं कर सकता हूं सर, इसलिए सर मैं रिजाइन करने के बारे में सोच रहा हूं। तुम मेरी राय जानना चाहते हो? मेरी राय में ये बुजदिली है सरासर बुजदिली। तो सर आप ही बताइए मैं क्या करूं सर। भाई अभिषेक एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की पहली पोस्टिंग कश्मीर वैलीज में हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन करके कुछ 8 महीने हुए थे। मैं और मेरा सर्जेंट एक दिन वहां पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक आदमी ने हमें बताया कि कुछ आतंकवादी एक घर में छुपे हुए हैं जो थोड़े समय में वहां से निकलने वाले हैं। मैंने बैकअप के लिए फोन किया पर पता चला कि कुछ 45 मिनट लगेंगे आने के लिए। हम रुक नहीं सकते थे अभिषेक। ब्लाइंड एंट्री के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम घुस गए और 6 आतंकवादियों को मार दिया। अभिषेक उस पल की अहमियत होती है जिस पल वो निर्णय लेना होता है। अगर उस वक्त हमने अंदर जाने का निर्णय ले लिया होता और वो टेररिस्ट वहां से भाग जाते तो सारी उम्र वो पल मुझे धुतकारता। इस पल का एक एहसास दिलाता कि मैं एक कायर हूं, बुजदिल हूं, वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। वही पल तुम्हारी जिंदगी में अभिषेक, सोच लो बहादुरी दिखाओगे या बुजदिली। सॉरी अभिषेक, सॉरी डैड, सॉरी सर। अमित की बातें सुनकर मुझे सरहद की मिट्टी की खुशबू आ रही है सर। मैं लड़ूंगा सर, मैं जरूर लड़ूंगा सर। देवधर साहब, हमारी पार्टी का आपको पूरा सपोर्ट है, लेकिन हमारा एक आदमी मंत्री बनाना होगा। कबूल। चलो फटाफट उतरो, चलो उतरना, चलो चल उतर, चलो चलो। आप आते क्या अंदर? तुम जाओ। केदार साहब, मैं पार्टी में सेटिंग करता हूं। 4 से 6 लोग ठीक इलेक्शन के पहले आपके पक्ष में आ जाएंगे। क्या करूं मैं?
अलग अलग पार्टी के, ये यहाँ एक साथ, इंटरेस्टिंग। आप अपना भाव बोल दीजिए। अरे बता देंगे भाई, बता देंगे। आप जरा पैसे बांटते जाइए, हम जरा प्यार बांट के आते हैं। उसके बाहर बाइक, आया भी है। अरे विजेता तुम? दयाशंकर त्रिपाठी का खून इस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है, एंड आई वांट देम आल्सो ऑन द कैमरा। मुझे उनका इंटरव्यू करने दो। कोई फायदा नहीं है विजेता, नहीं बोलेंगे ये लोग। लेकिन एक बार मैं जब इन लोग को पुलिस स्टेशन लेकर जाके थर्ड डिग्री दूंगा ना, तो बराबर तोते के माफक बोलेंगे। साहब लोचा है, ये रिमांड होम के लड़के हैं। साहब अगर आज इनको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे तो मोहिते साहब आज रात को इनका इनकाउंटर करके केस रफा दफा कर देगा। हाँ साहब, इन दोनों के बाप को जानता हूँ। पहला रिमांड होम का वार्डन नाइक और दूसरा गांजा भाई। क्या रे, हाँ बोलता है कि नहीं? अरे बोल रे बोल, नहीं तो मैं भी तेरे को नहीं बचा पाऊंगा। बोल बोल। हाँ, हम ये मर्डर नहीं करते तो हमको खाने को नहीं मिलता। हम रिमांड होम के लड़के, हमको वहाँ नाइक सर ने बोला था जाने के लिए गांजा भाई के पास, उसने ही अपुन को घोड़ा दिया। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? नहीं, अपुन को गांजा भाई खाली फोटो दिखाया, वो बोला उड़ाना है तो उड़ा दिया। रिमांड होम में रहने वाले जिगर और मुश्ताक को ये पता नहीं था कि उन्होंने राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी को मार दिया है। ये हमारे समाज की ऐसी सच्चाई है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। रिमांड होम के बच्चों से ऐसे खतरनाक क्राइम्स करवाए जाते हैं। My God, it's stunning. तुम्हें ये सब करते वक्त डर नहीं लगा? मैं किसी से नहीं डरती। सच को सामने लाना एक जर्नलिस्ट का काम होता है और मैं बस वही कर रही थी। Who is your source? Sorry डायना, मैं सोर्स नहीं बता सकती। वैसे विजेता, let me tell you one thing, ये तुम्हारा सच जो है ना, हंगामा करने वाला है। कल एक मंत्री की हत्या होती है और आज हम दिखाते कि वो लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था और रिमांड होम के बच्चों ने उसे मारा, तो इट विल बी ग्रेट न्यूज, इट विल बी टाइम बॉम्ब, डोंट यू थिंक सो? यस। अब तो शाम को टेलीकास्ट कर दे, अब मैं प्रोमोस कटना शुरू कर देती हूँ, मेरे पास कैचलाइन भी रेडी है।
द ट्रूथ इज अबाउट टू अनफोल्ड. सच सामने आकर रहेगा. वेट. लेट मी टॉक टू सी यू फर्स्ट बट नो प्रोमोज. वी विल ब्लास्ट इट. ओके. तुम्हारे पास इसकी कोई और कॉपी है? नहीं. क्यों? नहीं, वो सीईओ को देनी थी ना, इसलिए. नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज इट, डोंट वरी. यू जस्ट गो होम एंड रिलैक्स. ओके. हेलो सर, एक स्टिंग आया है सम्राट देवधर का. आई होप देयर विल बी नो चेंज इन द पॉलिसी देवधर. आई विल थिंक अबाउट द पॉलिसी. हेलो मिस्टर सिंघानिया. हे, हेलो डायना. कम, लेट्स गो. कम. Hey, Diana, how many times do I have to tell you not to call me Mr. Singhania? Just call me Kabir. Let me feel young, you know. Okay. Hi, Kabir. Ah, that's my girl. Meet Mr. Samrat Devdhar. Oh, nice to meet you. Same here. Diana, at the moment, he's one of the most powerful guys. Of course, I know him. At the state ministry level. So, shall we start, Mr. Devdhar? Shall we start? डायना, कबीर हमारे अच्छे दोस्त हैं. कई दिनों से हमारे मन में एक नेशनल न्यूज चालू करने की बात थी. अब जो कि इस प्रोजेक्ट में हम साइलेंट पार्टनर्स हैं, मैंने कबीर जी से पूछा, उन्होंने आपके नाम का सुझाव रखा. सो यू आर द सीईओ ऑफ आवर नेशनल न्यूज चैनल. बधाई हो मंत्री जी, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर आपको कैसा लग रहा है? अरे नहीं भाई, मैं किसी भी ऊंचे मुकाम पर नहीं हूँ. बस मैं आज भी अपने पक्ष का एक सामान्य कार्य करता हूँ, बस. हाँ, आज तक जितने अच्छे काम हमने किए हैं, जो प्यार और विश्वास जनता ने हमें दिखाया है, इसी का नतीजा है बस. महिला या अनाथ बच्चों पर अन्याय नहीं होने दिया. विरोधक भी आपके दोस्त. अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, पार्टी अलग अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो एक ही है. देख शंकर, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए. हम फिर से कोशिश. चुप. एकदम चुप. भेज दिया ना अपुन को, अपुन की विश्वास को, दोस्ती को. हाँ, कह रहे किधर गई तेरी न्यूज? सच्चाई दिखाने वाली थी ना दुनिया को टीवी पे. ये था सच. ऐसे होता है, बड़ी 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 बातें करती थी ना, अब क्या हुआ? सबके सब नकली है यार. उससे अच्छा तो आप लोग हैं, जो करता है खुल्लम खुला करता है. इसके जैसा सफेद टोपी नहीं बनाता है किसी को. अंधा है तू नंदू, इसलिए चूने के पानी को भी दूध समझता है. ऐसा क्यों कह रहे हो तीरिया? ए, अभी मुंह बंद करा. समाज सुधार के नाम पे खुद का जेब गरम करने का. वो न्यूज पे तेरे चैनल ने बहुत नोट छापा होगा ना उस मिनिस्टर से. इसने भी कमीशन लिया होगा. ए बोलना है, कितना कमीशन लिया तूने? कितने में बेचा हम सबको, बोल. वो छोटी छोटी बच्चियों का क्या भाव लगाया रे? ए बोलना, चल बोलना, बोल. साला पहली बार किसी का भला करने को गया, क्या उखाड़ा किसी का? कुछ है दुनिया गई बाढ़ में, अपने बारे में सोचने का भी बस. अबे यड़े, तू समझा नहीं अभी तक कि दुनिया सली ऐसी है और हम लोग लावारिस है ना, तो हमारी फीलिंग्स को कौन कीमत देगा? क्यों मैडम? बस बहुत हो गया. तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं? हाँ, अरे हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस? ओके, अगर ये न्यूज टेलीकास्ट होगी तब तो मुझ पर विश्वास करोगे ना? हाँ, नो मैटर व्हाट, ये न्यूज टेलीकास्ट होकर रहेगी. मैं देखती हूं मुझे कौन रोकता है. Oh,
ओह गुड 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 यू केम विजेता। ये लो ब्रीफकेस, तुम्हारा 15% कमीशन 15 लाख। हमारे बिग बॉस में मिलना चाहते हैं। वैसे तुम्हारा प्रमोशन एकदम फिक्स है, पर क्या है ना, ऐसे ये बार बार मत किया करो, इट्स वेरी रिस्की यार। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है चैनल कैसे चलता है? एड्स से? इतना बड़ा चैनल एड्स के पैसे से चलेगा? कम ऑन। न्यूज वो बनती है जो हम बनाते हैं, जिसे हमारे दोस्त का कोई नुकसान ना हो। सो बी स्मार्ट नाउ, ये ब्रीफकेस लो और घर जाके सो जाओ। ये न्यूज टेलीकास्ट होकर रहेगी, चाहे ये चैनल हो या कोई और, समझी? विजेता एक मिनट, कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो इसकी कोई कॉपी नहीं है। सही कहा तुमने, कॉपी तुम्हारे पास है, ओरिजिनल मेरे पास है। तेरी मां की आंख। हेलो डायना। कबीर, विजेता आई थी यहाँ पे, ब्रीफकेस यहीं छोड़कर चली गई है। सुनो, उसके पास न्यूज़ की ओरिजिनल सीडी है। डायना बेबी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, यू नो, इट्स नॉट आवर हेडेक। देयर विल टेक केयर ऑफ इट, ऑलराइट? ओके, ओके। मोहिते, जितने भी आदमी हैं सबको काम पे लगा दो। विजेता खन्ना न्यूज़ चैनल जा रही है, उसे कुछ भी करके रोको। अरे बाबा, उसे रोकना है मतलब सुपारी देना पड़ेगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, किसी केस में अंदर करो, कुछ भी करो। हाँ, या जगताप सावंत सर, वो एक जर्नलिस्ट है विजेता खन्ना, उसे टपकाना है अभी। काम हो जाएगा। ए गांजा, वो जर्नलिस्ट छोकरी विजेता खन्ना, उसे टेप लेकर उसको टपका देना। अपने फंटर को खबर कर दे, चल काम पे लग जा, चल। रुक रे, अरे रुक ना, रुक रुक रुक। हेलो, एक रिपोर्टर है, उसे टपकाना है। तेरी माँ की आँख देख क्या रहा हूँ उसे, चूतिया सालक। किधर है? मुझे नहीं पता। बोल। सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप ऐसा नहीं कर सकते। टेप किधर है? बोल। सर, आप कानून के रखवाले हैं। बोल। टेप किधर है? सर, बहुत अच्छा। बोल। टेप। आप। बोल। टेप कहाँ है? बोल। हेल्प अस सर। साले रमीन। बोल।
अभिषेक संभाल के। हाँ शंकर। देवधर ने हर जगह गुंडे भेजे होंगे। विजेता खन्ना, एक जर्नलिस्ट हूँ, एक न्यूज़ टेलीकास्ट कर रही हूँ। आई नीड टू मीट योर ब्यूरो चीफ। कहाँ है? वहाँ। थैंक यू। हेलो, हेलो मैम। हेलो, आई एम दिव्या शर्मा। मैं विजेता। आई एम अ न्यूज़ रिपोर्टर। मुझे न्यूज़ टेलीकास्ट करना बहुत जरूरी। इट्स अ स्टिंग टाइम बॉम्ब। प्लीज हेल्प मी। आई नो विजेता, बट तुम्हें मालूम है ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी छानबीन किए बिना मैं इसको टेलीकास्ट नहीं कर सकती हूँ। बट मैम, आई हैव द रॉ सीडी। मैडम प्लीज, हम सब हमारी जान पर खेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आप प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता है। एए, डालूंगा अंदर, इधर इच। होता है, सब कुछ होता है। जा, तू अंदर जा, तू भी जा। सॉरी, आई कांट परमिट यू। सॉरी। पीसीआर कहाँ है? गो स्ट्रेट देन लेफ्ट। जा, 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 जा। आ, बैठो उधर। नमस्कार, मैं हूं विजेता खन्ना। इस खास खबर के खास बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं ग्लोबल न्यूज चैनल के लिए काम करती थी। मेरे पास एक सच्ची खबर है जिसे चैनल आप तक पहुंचाने में मेरी मदद नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं यहां आई हूं। ये एक ऐसी खबर है जिसके लिए मेरी जान तक लेने की कोशिश की गई है। रिमांड होम के छोटी बच्चियों के साथ अय्याशी करते हुए दो मंत्री, दयाशंकर त्रिपाठी और सम्राट देवधर। दयाशंकर त्रिपाठी की दो दिन पहले ही मौत हो चुकी है और ये खबर खोल देगी उनके मौत का राज। तो चलिए देखते हैं ये खास खबर। बहादुर पुलिस ऑफिसर अभिषेक सावंत ने उन दो लड़कों को पकड़ा, लेकिन उनकी जान को खतरा होने के कारण उन्हें छिपा कर रखा गया है। जैसे ही मंत्री सम्राट देवधर पकड़े जाएंगे, उन्हें सबके सामने लाया जाएगा। उनके पकड़े जाते ही मैंने उनसे बात की, चलिए देखते हैं। हम ये मर्डर नहीं करते तो हमको खाने को नहीं मिलता। वहाँ नाइन सर ने बोला था जाने के लिए गांजा भाई के पास, उसने ही अपन को घोड़ा दिया। तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? नहीं, अपन को गांजा भाई खाली फोटो दिखाया, वो बोला उड़ाना है तो उड़ा दिया। रिमांडो में रहने वाले जिगर और मुश्ताक को ये भी पता नहीं था कि उन्होंने राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी को मार दिया है। ये हमारे समाज की ऐसी सच्चाई है जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। रिमांडो के छोटे बच्चों से ऐसे खतरनाक क्राइम्स करवाए जाते हैं और उन्हें गुनाह की राह पर धकेला जाता है। इस पार्टी में रिमांडो की लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए दो मंत्री, राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी और गृह मंत्री सम्राट देवधर साफ दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिमांडो की लड़कियां यहां कैसे आई? क्या ये मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ही ऐसा करते हैं? राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी का मर्डर कैसे हुआ? राज्य मंत्री दयाशंकर त्रिपाठी के मर्डर में किसका हाथ है? अब जिगर और मुश्ताक का भविष्य क्या होगा? क्या रिमांड होम क्रिमिनल्स की फसल को पैदा करने वाला खेत बन चुका है? सोचना आपको है, जागना आपको है, निर्णय भी आप ही को करना है। क्राइम रिपोर्टर विजेता खन्ना। Thank you.
थैंक यू। सारे सबूतों के बयानात, मंत्री सम्राट देवधर की गिरफ्तारी हुई, इनके साथ साथ बॉयज एंड गर्ल्स रिमांड होम के वार्डन नाइक और सुनिंदा की भी गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने और सरकार ने इंस्पेक्टर सावंत की सराहना की और पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी पदोन्नति हुई। आशा और नंदू ने शादी कर ली, जो कि वो भी एक रिमांड होम की लड़की थी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं कभी नहीं डरती सच बोलने से, इसी वजह से विजेता आज एक बड़े चैनल की चीफ क्राइम रिपोर्टर है। करीम और तेरिया रिमांड होम के बच्चे गुंडे होते हैं ऐसा ही लोग समझते हैं, पर उन्होंने एक अच्छे काम के लिए अपनी जान दे दी। जो चंद पैसों के लिए जान की धमकी देने वाला आज चंद पैसों से जान की हिफाजत कर रहा है, मतलब एक अच्छे नेता का बॉडीगार्ड है। ठहरिए, क्या इन सब चीजों के लिए हम, आप, ये सरकार और ये समाज जिम्मेदार नहीं है? ये बच्चे किसके हैं? क्या ये बच्चे सरकार के नहीं हैं? इन्हें संभालने का दायित्व तो सरकार का नहीं है? और है तो सरकार क्या अपने बच्चों की यही परवरिश कर रही है? क्या सरकार का दायित्व तो नहीं कि इन बच्चों का भविष्य बनाए, इन्हें सरकारी कोटे में से मकान दिए जाए, इनकी शादी रिमांड होम की लड़कियों से करके इनका घर बसाया जाए, इन्हें सरकारी नौकरियां दी जाए, इनके लिए कानून बनाकर इनका भविष्य सुधारा जाए? ये हो सकता है, मगर क्या इस पर गौर करना हमारी जिम्मेदारी नहीं? सोचिए, जरा सोचिए, अगर ऐसा होता रहा तो समाज में गुनाह कम नहीं होंगे और ऐसे ही गुनहगार रोज रिमांड होम से तैयार होके निकलेंगे। इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा।